नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। घर से बाजार के लिए निकले दो युवकों का शव नहर में मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी लगते ही क्षेत्र में त्योहार की खुशी गम में तब्दील हो गई। देखते ही देखते लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। परिजनों ने युवकों की हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए पड़ोसियों पर आरोप लगाया है। घटना मनगवां थाना के मनिकवार चौकी अंतर्गत रघुराजगढ़ की बताई जाती है, जहां दोनों युवकों की पहचान रवि सेन और कन्हैया सेन के रूप में हुई है। मौके पर पुलिस पहुंचकर समझाइश दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है मनगवां थाना के मनिकवार चौकी अंतर्गत रघुराजगढ़ से, जहां दो युवकों का शव नहर में मिलने से हड़कंप मच गया। रक्षाबंधन का त्यौहार गम में तब्दील हो गया। घर से बाजार के लिए निकले दो युवकों का शव नहर में मिलने से हड़कंप मचा, जिसकी जानकारी लगते ही क्षेत्र में त्यौहार की खुशी गम में तब्दील हो गई। घटना मनगवां थाना के मनिकवार चौकी अंतर्गत रघुराजगढ़ की बताई जाती है। दोनों युवकों की पहचान रवि सेन और कन्हैया सेन के रूप में की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है मनगवां थाना के मनिकवार चौकी अंतर्गत रघुराजगढ़ से, जहां दो युवकों का शव नहर में मिलने से हड़कंप मच गया। रक्षाबंधन का त्यौहार गम में तब्दील हो गया। आइए सुनते हैं मृतकों के परिजनों का क्या कहना है। एक्सीडेंट है, मर्डर है। मर्डर है, साफ साफ मर्डर है। तो करी सी? ये करने वाले हमारे घर के आरोपी हैं, घर के बगल के शिवम तिवारी नाम है उनका। उनसे हम लोगों से कई बार झगड़ा हुआ है। हमारे घर में चोरी हुई, रिपोर्ट किए, आज तक दो दो तीन तीन फोन ले गए, हम लोग सोते रह गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मारपीट किया, हम लोगों को तीन लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ, पेशी चल रही है। और वो बार बार धमकी भी देता था कि हम एक एक को मार के खा जाएंगे। और कल ये जब घर से निकला है तो इसके पीछे पीछे वो भी निकला है। इसके पहले आप रिपोर्ट लिखाए थे कहीं? तीन मनियामा में भी रिपोर्ट लिखी है, पुलिस चौकी में मनिकवार में भी लिखी है, एसपी कार्यालय में आवेदन हम लोग दे आए थे, कोई सुनवाई नहीं किया, कोई नहीं आया हम लोगों का संरक्षण देने। आए दिन मारपीट करता है, रास्ता पर छींकता है, जो कि सरकारी ढर्रा है वहाँ भी गाली गलौज करते हैं। हम लोग के घर में पानी भर रहे हैं, पानी पीने का नल हैंड पंप सरकारी है, वो नहीं लेने देते पानी हम। मेरा पूरा यकीन है आपको मर्डर किए हैं जी? मर्डर है आपका? 100% यकीन है सर, मर्डर है साहब। कुछ लोग बोले एक्सीडेंट है। नहीं, एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। आप जांच करिए, सब निगरानी करिए, एक्सीडेंट होता तो कहीं टायर समझ में आता, गाड़ी जाती डायरेक्ट, तो यहाँ पे ऊंचा है तो कैसे गाड़ी बीच में चली जाएगी। ये कितने बजे की बात है, घर से निकले थे? घर से ये कल निकले हैं 6 बजे से, शाम को। और फिर हम लोग 8 बजे से फोन लगाने लगे तो फोन इनका बंद था, दोनों का फोन नहीं लगा। तो हम लोग सोचे कि कहीं दोस्त भाई के यहाँ चले गए होंगे, घर के डर के मारे फोन बंद किए होंगे। आप तो कौन होंगे? हम भाई हैं उनके। नाम क्या है आपका? योगेंद्र सेन। और उनका जो जिसके ऊपर नाम बता रहे हो जी, वो उनका नाम क्या है? अरे जो आप बोल रहे हैं मर्डर किए हैं, शिवम तिवारी नाम है, पिता श्रवण कुमार तिवारी, हमारे घर के ज्येष्ठ बगल जी। चलिए ठीक है ना, उनके अलावा कोई नहीं किया सर, सब सारा हाथ, तो वो अरेस्ट हो जाए तो सारा खुलासा पुलिस कर सकती है, किसका हाथ है, कौन मारा है। अपने घर में भी एक आध बार मर्डर कर चुका है, लेकिन उनके घर वाले छुपा दिए, घर की बात थी। अपने बड़े बब्बा को पिछले साल इसी ठंडी में घुटकी दबा के मार दिया था, घर वाले छुपाए थे। चलिए ठीक है जी सर।